Hello students of class 3, how are you? GK chapter 27 musical terms. Fill in the blanks. यहाँ पे आपको options दिए हैं band, choir, duet, solo, string, wind, percussions and conductor. First is a person singing or playing music alone is a dash performer. तो जो लोग अकेले परफॉर्म करते हैं या डांस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोलो परफॉर्मर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सोलो. सेकंड इज टू पीपल सिंगिंग और प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर आर परफॉर्मिंग इन. जब दो लोग सिंगिंग और प्लेइंग साथ में करते हैं तो उस परफॉर्मेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डुएट. नेक्स्ट इज दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग टुगेदर, दिस इज अ. जब साथ में बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं तब हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सिंगिंग. जब लोग साथ में सब लोग गाना गाते हैं ग्रुप में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योर. नेक्स्ट फोर नंबर इज दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर, दिस इज अ. ये ग्रुप है जिसमें लोग गाना गा रहे हैं और साथ में म्यूजिक बजा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर, दिस इज अ बैंड. जब साथ में म्यूजिक भी बजाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, गाना भी गाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंड. फाइव नंबर इज द पर्सन हु स्टैंड इन फ्रंट एंड डायरेक्ट्स अ ग्रुप परफॉर्मेंस इज द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दिस इज प्लेइंग अ डैश इंस्ट्रूमेंट, इट इज प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही है, इट प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में स्ट्रिंग्स, ये एक स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन इज शी इज प्लेइंग डैश इंस्ट्रूमेंट, इट इज प्लेड बाय ब्लोइंग एयर. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही है, जो ब्लोइंग एयर में बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विंड इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है ये, विंड इंस्ट्रूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर एट इज ही इज प्लेइंग अ डैश इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेड बाय बीटिंग, रबिंग, स्क्रैपिंग और शेकिंग. दिस इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएगा, परकशन. दिस इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस काइंड आर प्लेड बाई बीटिंग, रबिंग, स्क्रैपिंग और शेकिंग. इसमें बीटिंग भी है, रबिंग भी है, स्क्रैपिंग भी है और शेकिंग भी है. इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, परकशंस इंस्ट्रूमेंट्स. दैट्स ऑल, थैंक यू.